हमारी सिक्स एनर्जी काम मूड, जिसको हम बोलते हैं वीर की ताकत, तो इतने सारी प्रक्रिया के बाद में हमारा जो एसेंस है वो होती है वीर की क्षमता। हर हमारी बॉडी प्रतिबल वीर कर रही बॉडी के अंदर सिक्स एनर्जी, लेकिन इस सिक्स एनर्जी का करना क्या है हमको? नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय सेजवानी धाम में पहुंचा हूं और सेजवानी धाम एक ऐसा धाम बन चुका है जो समूचे हिंदुस्तान की एनर्जी के लिए और ऊर्जा का स्रोत बन चुका है, जहां से हम स्वयं का विकास, स्वयं को डेवलप कर सकते हैं। और सेजवानी धाम में जो आज जिनके छाँव में परम पूज्य परमाला जी के सानिध्य में साथ परम पूज्य पूर्णा जी हैं, जो इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, जिसमें आपके सभी प्रश्नों का समाधान सुनिश्चित हो, ऐसी मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपकी जनादरणी में आपका स्वागत है। आपको प्रणाम, और आपके मेरे माध्यम से आपके जितने भी श्रोता गण हैं उनको मेरा हृदय से प्रणाम। क्या आ रहा है सेक्स एनर्जी डेवलप के बारे में, उसका पीछे का क्या रहस्य है? हमारे शरीर में एकमात्र ऊर्जा है, जैसे कि हम भोजन करते हैं, प्रतिबल हमारे भोजन से क्या हो रहा है? रक्त का निर्माण हो रहा है, रक्त से रस का निर्माण हो रहा है, रस से अस्थि का निर्माण हो रहा है, मांस का निर्माण हो रहा है, और इन सब के निर्माण के बाद में जो सबसे मेन सत्य, इसको बोलते हैं एसेंस, वो क्या है? वो है हमारी सिक्स एनर्जी काम ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं वीर की ताकत। तो इतने सारी प्रक्रिया के बाद में हमारा जो एसेंस है वो होती है वीर की क्षमता। हर हमारी बॉडी प्रतिबल वीर की ताकत को इजाद कर रही बॉडी के अंदर सिक्स एनर्जी, लेकिन इस सिक्स एनर्जी का करना क्या है हमको? यदि हम इसका उपयोग करना नहीं जानेंगे तो हमारी ये बॉडी 40 दिन के अंदर सिक्स एनर्जी को बाहर कर देगी नीचे के रास्ते से। लेकिन हमारे पास में एक रास्ता और है, इस एनर्जी को हम कैसे अपने मस्तिष्क तक चढ़ाएं। 3 फुट के 6 फुट का आदमी होता है, 3 फुट के अंदर आदमी परमात्मा बन सकता है। परमात्मा का अर्थ है स्वयं को जानना। हम अपनी कैसे सेक्स एनर्जी मूलाधार से उठाकर अपने ब्रेन तक पहुंचाएं, इसको बोला गया है सेक्स एनर्जी का उपयोग। और इसके अंदर इतनी क्षमता मौजूद है कि आप कल्पना की परे, क्योंकि सेक्स एनर्जी ही शरीर के अंदर एकमात्र ऊर्जा है। इसका आप यदि उपयोग करते हैं तो आप भी सूरज जैसे विराट बनेंगे, कृष्ण जैसे विराट बनेंगे, और इसका यदि मिसयूज करते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति आप बन के रह जाएंगे। सेक्स एनर्जी चेतना को लाने का एक साधन थी, लेकिन आज की डेट के अंदर इस सेक्स एनर्जी को ना समझी के कारण हर व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहा है। वो एक परम चेतना को लाने के लिए साधन थी। एक बार जब उस चेतना को लाने का काम हमारा समाप्त हो गया तो इस एनर्जी से हमको अपनी भीतर की चेतना को जगाने का प्रयास करना चाहिए, जो कि परम पूज्य परमाला जी यहाँ पर इसी चीज़ की दिशा दे रहे हैं कि आप कैसे अपनी सेक्स एनर्जी को ऊर्ध्वगमन करके अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं। सफल करने का भी अर्थ बता दूं, केवल हमारे विजन को ब्रॉड होना ही सेक्स एनर्जी का मूल मंत्र है। कैसे हम सेक्स एनर्जी का उपयोग करके अपने विजन को ब्रॉड कर पाएं? बिल्कुल, तो पूरा देश का युवा इस समय इस इंटरव्यू को देख रहा होगा, वो कैसे अपने सेक्स एनर्जी की सुरक्षा कर सकता है और अपने चेहरे पर जो तेज आपके झलक रहा है, इस तेज को कैसे बरकरार रख सकता है? आपने विवेकानंद जी का नाम सुना है। विवेकानंद जी के पास में एक ऐसी क्षमता मौजूद थी कि वो किसी भी एक पेज को देखते थे और उसके बहुत कम विद इन सेकेंड के अंदर वो पेज उनके ब्रेन के अंदर छप जाता था, यानी कि उनकी ब्रेन की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा जागृत थी। तो यदि एक युवा अगर प्रश्न करे अपने आप से कि जब जो ब्रेन विवेकानंद जी का था वाला ब्रेन हमारा क्यों नहीं हो सकता? आज मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना है आपने, अभिजन बलो का नाम सुना है आपने, इनकी ब्रेन की शक्तियाँ हॉरिजेंटल के अंदर बात कर रहा हूँ, जबकि विवेकानंद की जो शक्तियाँ थी वो वर्टिकल के अंदर थी। तो आज उस ब्रेन को एक्टिव करने के लिए हमको सेक्स एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिस एनर्जी को हर युवा दिशा न होने के कारण मिसयूज कर रहा है। यूट्यूब के अंदर गलत चीज़ों को देखने के माध्यम से, गलत वेबसाइट के अंदर पोर्न मूवी को देखने के माध्यम से एकमात्र शक्ति को वो नीचे के रास्ते से बाहर कर रहा है। तो अगर वो उस शक्ति का उपयोग करना सीख गया तो हमारा प्रत्येक बच्चा, इंदिरा गांधी, नरेंद्र सिंह मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी जी, विवेकानंद जैसे का बच्चा हमारा डेवलप हो सकता है। केवल उसको उपयोग करना उसको आना चाहिए, वही शिक्षा वही पद्धति पूज परमाला जी इस शिविर के अंदर बता रहे हैं। आपके जन अदालत के सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जिस तरीके से जो हम खान पान से अपने आप को दूषित भोजन आप डाल रहे हैं और हमारे विचार जो हैं जिस तरीके से बदल रहे हैं, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हम कैसे लाएं और कैसे डेवलप कर पाएंगे अपने आप को, जिससे हम देश में कुछ अच्छा कर सकेंगे, सर क्या कहना? बहुत ही सरल है, हमारे पास में सूत्र मौजूद हैं। सूत्रों को क्रियान्वयन करवाने के लिए हमारे पथ प्रदर्शक पूज्य परमाला जी मौजूद हैं, उसको अभ्यास कराने के लिए हमारे पास परम मित्र मौजूद हैं। कहाँ पर हमको अभ्यास कराना है उसके लिए हमारे पास धरा मौजूद है, हमारे पास ऐसी कार्यशाला मौजूद है जहाँ पर एक व्यक्ति यदि यहाँ पर आता है तो 4 दिन के अंदर अपने अंदर आमूल रूपांतरण कर ट्रांसफॉर्मेशन कर यहाँ से अपने शहर में जाकर, अपने परिवार में जाकर स्वयं को विकसित कर सकता है और भी लोगों को विकसित कर सकता है। सर वही तो जानना चाहते हैं हमारे सभी दर्शक के, हमारा खान पान कैसे हो, हमारे आचार विचार कैसे बने।
ये भोजन का सब्जेक्ट बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। मैं यदि आपसे बोलूं कि एक माँ अपने बेटे को प्रेम करती है, वो माँ कितने भी शब्दों के अंदर उसको बयां करे, लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को जब छाती से लगा के अनुभूति करती है तो उसकी अनुभूति वो बच्चे ही बता सकता है। तो मैं आपको मोटे मोटे सूत्र तो बता सकता हूँ, लेकिन जिस भी व्यक्ति को डेवलप होना है तो एक बार 4 दिन का शिविर यहाँ पर आकर जरूर करें, जिससे कि उसको प्रैक्टिकल अनुभव हो पाए कि वो अपने जीवन को कैसे सुंदर कर सकता है। रही बात खान पान कैसा होना चाहिए, हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बस इसी 5 तत्वों के सूत्र के अंदर हमारे भोजन खाने का डिज़ाइन छुपा हुआ है। जैसे कि मिट्टी हमारा 24 घंटे के अंदर एक बार हमारा ब्रेन ऐसे हार्मोन छोड़ता है जब हमारी बॉडी के अंदर मिट्टी का यानी कि एसिडिक भोजन पचता है। उसका समय क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। 24 घंटे के अंदर एक बार हमारा भोजन को ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जब हमारी बॉडी के अंदर जल की रिक्वायरमेंट होती है। तो मिट्टी, अग्नि, जल और 24 घंटे के अंदर एक बार वायु का आहार होना चाहिए। और अंतिम में मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, अंतिम समय के अंदर जब हम रात्रि को विश्राम की ओर जाते हैं तो हमको अपने उपवास यानी कि ऊपर की ओर हमारा निवास होना चाहिए। इन पांच तत्वों के अंदर हमारा पूरा जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। तो हम सुबह मॉर्निंग के अंदर प्रातः 9 बजे के पहले अल्कलाइन ब्रेकफास्ट करते हैं जिसके अंदर 70% जल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 70% जल मौजूद है। हमको अपने शरीर के अंदर 70% ऐसा भोजन डालना चाहिए जो कि जलीय स्तर का, जिसको हम क्षारीय बोलते हैं। तो जहाँ पर जो भोजन की जो डिज़ाइन दी गई है, जो आज आपने भी किया, जिससे आपको ऊर्जा आपको महसूस हुई, तो हमारा सुबह ब्रेकफास्ट उस डिजाइन का हो। और दोपहर के अंदर हमारा एसिडिक भोजन हो, क्योंकि 12 से 1 के बीच में जब सूर्य नारायण प्रभु हमारे मध्य में रहते हैं तो हमारी जो पेट की जठरग्नि है उस समय ऐसे हार्मोन छोड़ती है कि जब हम उस समय अपने परमात्मा को बैठे भोग लगाते हैं तो हमारा भोजन बहुत जल्दी पचता है और ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके 3 घंटे बाद जिस भी व्यक्ति को अपने शरीर की शक्तियों को विकसित करना है तो वो 1 घंटे बाद जल ले सकता है, लेकिन जिसको अपनी ब्रेन की, मस्तिष्क की शक्तियों को अगर डेवलप करना है तो 3 घंटे बाद जल लेने का ही प्रावधान बोला है श्री कृष्ण अपनी गीता के अंदर। तो एक बार हमारा अल्कलाइन ब्रेकफास्ट हो जिसके अंदर फ्रूट्स आते हैं, जिसके अंदर जैगरी वाटर आता है, गुड़ पानी आता है, छाछ आता है, मेथी दाना आता है, ये पूरा जो 12 तरीके का जो आइटम हम यहाँ पर सर्व कर रहे हैं फल के अलावा, तो ये हमारा एक बार भोजन होना चाहिए। और दिन के अंदर हमारा एसिडिक जो कि हम रोटी, सब्जी, दाल खाते हैं वो हमारा होना चाहिए, और उसके 3 घंटे बाद हमारी बॉडी में जल का सेवन होना चाहिए। और शाम को रहते रहते हमारा निराहार यानी कि हमारे पास में वायु का समाविष्ट होना चाहिए, और शाम को हम 9 बजे की रात्रि के पहले पहले अपने विश्राम कक्ष में पहुंचकर अपने पास आ जाएं, उसको बोला है उपवास। तो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के अंदर पूरा का पूरा रहस्य छिपा हुआ है हमारे जीवन विकसित करने का। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे पूना जी, आप ग्वालियर से बिलोंग करते हैं और हमारे साथ माँ तृप्ति भी हैं, जुड़ी हुई हैं, और पति पत्नी हैं। आप ग्वालियर में एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे, फिर आपने अध्यात्म की ओर और एक अपने आप को कैसे बदलने की कोशिश की, कब आपको आभास हुआ कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे देश को बदलाव ला सकते हैं आप? यदि हम ग्वालियर में लग्जरी लाइफ जी रहे होते तो हम शायद यहाँ पर अपनी लाइफ जीने के लिए नहीं आते। लग्जरी लाइफ का मतलब होता है, लग्जरी मतलब होता है विलासता, लेकिन लग्जरी को अभी थोड़ा सा जोड़ के देखते हैं उसको बोलते हैं ऐश्वर्य जैसा जीवन। एक तो होता है ऐश और एक होता है ऐश्वर्य। हम यहाँ पर ऐश्वर्य जैसा जीवन जी रहे हैं। यदि हम ग्वालियर के अंदर लग्जरी लाइफ जी रहे होते तो हम यहाँ पर आते ही क्यों? नहीं, हम वो चीज़ देख कर आए हैं जहाँ पर सुख भी है, दुख भी मौजूद है। आज तो अच्छा लगा कि सुख है और कल लगा कि दुख है, तो हमको सुख दुख से ऊपर आनंद की यात्रा करने के लिए हम यहाँ पर लाइफ जी रहे हैं। और हमारे यहाँ पर आने का, शायद कहते हैं कि गुरु शिष्य नहीं खोजता है गुरु को, गुरु खोजते खोजते आ जाता है शिष्य को। पूज्य परमाले जी का चरणों का वंदन हुआ 2016 के अंदर जीवाजी यूनिवर्सिटी के, जब उनका पहला कैंप लगा, बस वो पहले कैंप के अंदर जब मेरा पहला सत्र था, जब उनकी वाणी जब मेरे ब्रेन के अंदर गई तो मुझे लगा कि शायद यही वो व्यक्ति जिसको मुझे अपने जीवन को विकसित करने की तलाश थी। जब उन्होंने भोजन के बारे में बोला, सेक्स एनर्जी के बारे में बोला, ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि मेरी धर्मपत्नी जो आज के रूप में मेरे मित्र है, माँ तृप्ति मेरे साथ में गई, उन्होंने भोजन को बनाना सीखा वहाँ पर कि भोजन को बनाया कैसे जाता है। मुश्किल से मुश्किल 4 महीने के अंदर मेरे पूरे जीवन के अंदर जो मेरी बीमारी थी वो मेरी बीमारियाँ दूर हुई। जब बीमारी शरीर से दूर होती है तो कहते हैं सबसे पहले शरीर शुद्धि आती है, फिर विचार शुद्धि आती है, फिर भाव शुद्धि आती है। तो ये क्रमशः कैसे स्टेप बाई स्टेप हम अपने जीवन को विकसित करें, अन्नमय कोश के बाद में हमारा प्राणमय कोश में हमारा मननमय कोश कैसे विकसित हो, ये पूछ परमाली जी हमको दिशा दी और उनकी दिशा अनुसार ही हमारा जीवन बहुत सुंदर हुआ। तो मैं श्रेय देता हूँ, जब परमाली जी का पहला कैंप हुआ, शिविर हुआ ग्वालियर के अंदर, वहाँ से हमारे जीवन का विकास प्रारंभ हुआ। आपकी जन अदालत लोग जो हमारा न्यूज चैनल है वो हमारा अपना चैनल है, तो क्यों ना हम लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।